आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। जी हम भी ठीक हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके लिए दुआगो हैं। हंसते बसते रहें, खुश रहें अपनी फैमिली के साथ। जी आज मैं बहुत ही सिंपल सा खाना बना रही हूँ, ये बॉय लेकिन हमारा बहुत फेवरेट है। ये मैंने चारों किस्म की दालें ली हैं। यहाँ पे मसूर की दाल है 1 कप, ये मूंग की दाल है 1 कप, और ये माश की दाल 1 कप, और ये चने की दाल 1 कप। इन सबको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के भिगो दिया था ताकि मेरा टाइम बच जाए। बस मैं अब इसको जस्ट वॉश करके फिर आगे दिखाती हूँ। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें। यहाँ पे ये लिए हैं 2 टेबलस्पून जो लिए हैं ग्रीन प्याज। अगर आपके पास नहीं है तो ना डालें, लेकिन मुझे अच्छा लगता है थोड़ा, तो इसलिए मेरे पास था भी और मैंने कहा चले इसको डाल लेते हैं। यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के सॉल्ट है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून भर के जो है हल्दी है, 1 टीस्पून ये है ज़ीरा, और यहाँ पे ये लहसुन और ये वाला प्याज जो है तड़के के लिए है, और ये प्याज जो है मैं अभी उसमें दाल में ऐड करूँगी, थोड़ा सा प्याज, और ये टमाटर एक है छोटा वाला, और 3-4 सब्ज़ मिर्चें हैं, ऑयल भी तड़के के लिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, मैं दाल को वॉश करके फिर आपको दिखाती हूँ। मेरे की दाल मैंने वॉश कर ली अच्छे से, सारी स्पाइसी ऐड कर दी, मिर्च का टमाटर हल्दी सॉल्ट चिली पाउडर फिर पानी। इसके साथ मैं चावल बॉयल करूंगी कि मैं हम ये वाली दाल इस तरह से बनाते हुए भी आप लोगों का तरीका डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन ये इस तरह भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। मैंने थोड़ा सा पानी अभी डाल लिया, मैं देखती हूँ अभी गलने में इसको काफ़ी टाइम लगना है, तो ये इतना ही मैं और डाल देती हूँ और फिर इसको पकाऊंगी और आपको बताती हूँ कि इसके एग्जैक्ट कितना टाइम इसको लगा है। तड़का मैं बाद में बनाऊँगी, साथ मैंने टमाटर की चटनी बनानी है और साथ मैंने चावल बॉयल करने हैं। सिंपल सा खाना भी बहुत ही मज़े का लगता है कई दफ़ा। साथ ही मैं ये मिर्च भी ऐड कर देती हूँ, ये मैं लाई थी, देखती हूँ कैसा वर्क करता है। मुझे शौक होता है किचन की जो चीज़ देख लूँ, बस फिर मुझे होता है कि मैं इसको जी हल्स के लिए है। धनिया वगैरह भी इसमें कट जाता है, दाल में भी धनिया डालेगा, लेकिन वो मैं बाद में आपको, ये देखिए कितना अच्छा हो गया इसमें, आराम से सारी मिर्चें जो हो गई हैं। चलिए इसको ढक देते हैं अभी और ये देखिए हमारी, ये अच्छी बनके तैयार है भी। बस इसमें सब्ज़ धनिया डालना और तड़का लगाना है। चलिए अभी तड़के की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने चूल्हा ऑन किया, इसमें डाल दिया है ऑयल, दाल में हम जीरा ऐड कर देंगे। स्पाइसी जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा मिर्ची वगैरह ऐड कर लें। ये मिर्ची और जो लहसुन है ये मैं बाद में ऐड कर लूँगी, वाली मिर्ची और ये लहसुन। इस अभी मैं लहसुन डाल देती हूँ, तो धनिया डाल लिया, देखिए कितनी अच्छी दाल बनी है, इतनी मज़े की, इतनी मज़े की ये होती है। आप इसी वाले तरीके का बनाएँ और बनाएँ तो बहुत ही मज़ा आएगी। ये वाली दाल ये देखिए, और चावलों के साथ बहुत मज़े की लगती है। सुबह को पराठा बनाएं गरम गरम बलों वाला, और उसका ये दाल खाएं साथ है चार लें, और क्या मज़ा आएगा। देखिए चावल हमारे होके तैयार, मैंने टाइम को के लिए ये इंस्टेंट पॉट में जो है चावल बना लिए थे। ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले बन गए। मैंने इसमें ज़ीरा नमक और वो सब कुछ डाल के आपको दाल के साथ टेस्ट करके मैं अपना बताती हूँ। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा पॉट है, आप लोग भी जरूर इसको लें। बहुत एक तो टाइम इसमें बहुत बचता है, जो स्पेशली जॉब करते हैं उनके लिए जब भी ऐसी चीज़ें सेल पे लगती हैं तो फौरन बाय कर लेनी चाहिए। चलिए अभी मैं दाल को टेस्ट करके बताती हूँ आपको कैसी बनी है। ये मैं आपको दाल जो है टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी है।
ये साथ टमाटर की चटनी, इसकी रेसिपी मैंने बनाई है, आपको दूंगी इंशाल्लाह, बहुत जल्दी ही आएगी, या मैं भी पहले डाल दूँ या बाद में कुछ पता नहीं है। और इंस्टेंट पॉट में मैं बताऊँगी आपको कि राइस जो है किस तरह कुक करते हैं। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा मज़े की, इतनी मज़े की कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसी तरह ये चारों दालें आप मिक्स करके बनाएं, साथ चावल और यही चटनी बनाएं, तो ना किसी सैलड की ना दही की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चलें मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।